अफ्रीका से एक मरीज मुंबई आया था जो अब ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार ने अलर्ट घोषित किया है। कोरोना की स्थिति कंट्रोल में रहे इसलिए केंद्र सरकार ने अलर्ट घोषित किया है। इसमें महाराष्ट्र का भी नाम है। इसीलिए ये घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनकर निकले, खुद की सुरक्षा खुद करे ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। पर जो घटना हुई थी इसका कोई समर्थन नहीं कर पाएगा। इनका जितना होना चाहिए उस घटना का निषेध ही करना चाहिए। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसे एक बड़े नेता जो है महाराष्ट्र के नई देश के नेता है और उनको अचानक जाकर कोई उसके ऊपर घर के ऊपर हमला करता है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से एक विकृत मानसिकता दिखती है। और जिसने ये करवाया है वो जिनका नेता करके खुद को समझता है, वो जो एडवोकेट सदावर्ते जो उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसके पहले ही कार्रवाई होने की आवश्यकता थी। उन्होंने भड़काऊ भाषण भी किए थे, लोगों को उकसाने का काम किया था, लोगों के कामगारों के हित में वो कुछ काम नहीं किया, केवल उनको फीस के नाम पर पैसे वसूलने का काम किया, उनके माथे भड़काने का काम किया। उनका जीवन, उनका पूरी जो अभी सर्विस थी वो भी सर्विस उन्होंने अभी कोई चांस नहीं रखा, मैं समझता हूँ। और उनके ऊपर जो आज कार्रवाई होगी तो उनका भविष्य अंधेरे में ढकेलने का काम, बार बार हम लोग बोल रहे थे कि इस आंदोलन को ख़त्म करो और चर्चा करो।